नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हटाने की उठी मांग। कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदेश कार्यालय पर किया प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारी। कोणार्क दीक्षित और सुनील रॉय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। हाथों में तख्ती लेकर पहुंचे हैं कांग्रेस पदाधिकारी और चुनाव से ठीक पहले बगावत यहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हटाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदेश कार्यालय पर किया प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारी। तो न्यूज वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से बगावत के तेवर यहां पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पदाधिकारी पहुंचे हैं और देखिए तख्ती में लिखा नजर आ रहा है, नौकरशाही से कांग्रेस नहीं चलेगी। आप आओ दिल्ली, हम आपसे मिलेंगे, लेकिन इन वामपंथियों ने हमको मिलने नहीं दिया। तो अजय कुमार लल्लू को लेकर एक बार फिर से ये एक तथा जन्मदिन देखिए विरोध नजर आ रहा है। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अजय कुमार लल्लू को हटाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का कार्यालय है, जन्मदिन क्यों नहीं मनाया गया उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में? संजय गांधी जी की पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई गई? शीला दीक्षित की पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई गई? और नगमा शेख हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नगमा, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बगावत के तेवर चुनाव से ठीक पहले देखे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। बिल्कुल अनन्या, कांग्रेस पार्टी में जो बगावत के तेवर है वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। जब से अजय कुमार लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद से ही जो पुराने नेता है कांग्रेस के नेता, उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता है, वो अक्सर नाराज दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि प्रदेश कार्यालय के बाहर जिस तरह प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी का दौरा भी है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो हालात है कांग्रेस के वो सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो हालात है वो ठीक नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के बाहर क्रेटा गाड़ी आए, इसमें से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने लगे, प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने नजरबंद कर लिया है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता है वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अनन्या नगमा, क्योंकि हम देख रहे हैं चुनाव से ठीक पहले ये मांग की जा रही है कि अजय कुमार लल्लू को हटाया जाए, लेकिन इन सब के बीच खबर ये है, क्या दो हिस्सों में पार्टी बढ़ती हुई नज़र आ रही है? और शायद अगर हम कांग्रेस की स्थिति की बात करें इस समय देश में, क्या कुछ स्थिति है कांग्रेस की अब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? पार्टी को एकजुट होकर जहाँ पर काम करना चाहिए वहाँ पर कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर गुटबाजी नज़र आ रही है। नगमा, बिल्कुल अनन्या, कांग्रेस पार्टी में लगातार गुटबाजी तो दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में उतरी, चुनाव से पहले वो उतरी, उसके बाद लगातार वो दौरे भी करती रही, चाहे वो किसान के मुद्दे हो, नौजवान के मुद्दे हो, हर एक को लेकर, और लगातार मीटिंग भी होती रही, लोगों को बांधने की भी कोशिश करी कि कांग्रेस की जो स्थिति है, जो पिछला जमाना है वो वापस आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें दूरियां दिखाई दे रही है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो एकजुट होकर सामने नहीं आ रहे। हालांकि अभी आपको बता दें, जिस तरह से मीडिया कर्मियों की भी, प्रवक्ताओं की भी मीटिंग चल रही थी, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी से अवगतता की गई, उसके अलावा संगठन की भी मीटिंग में बहुत सारे लोग मौजूद नहीं होते, तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी जाहिर होती है कि लोग एक साथ नहीं है, जो कार्यकर्ता है अलग अलग दिखाई देते हैं। चलिए नगमा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का दबदबा, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 22 जिलों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ, 21 जिलों में बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं। इटावा में सपा ने निर्विरोध जीत हासिल की है, 4 जिलों में विपक्ष के प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। 53 जिलों में 3 जुलाई को होगा चुनाव, 53 में से 35 पर सपा बीजेपी में सीधी टक्कर देखी जा रही है। तो वाराणसी में
बुलंदशहर से बीजेपी प्रत्याशी अतुल तेवतिया जीती हैं, अतुल तेवतिया जीती हैं। इटावा से सपा प्रत्याशी अभिषेक यादव को जीत हासिल हुई है और झांसी से बीजेपी प्रत्याशी पवन गौतम को जीत हासिल हुई है। मऊ से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। मेरठ से बीजेपी समर्थित गौरव चौधरी को जीत हासिल हुई है। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी साधना सिंह को जीत हासिल हुई है। आगरा से बीजेपी प्रत्याशी मंजू भदौरिया निर्विरोध चुनी गई हैं। पीलीभीत में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर दलजीत कौर को जीत हासिल हुई है। तो वाराणसी में बीजेपी प्रत्याशी पूनम मौर्य को जीत हासिल हुई है। और वहीं लखनऊ में सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन का बड़ा ऐलान, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़कर अपना अध्यक्ष बनाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर दिया बयान, बीजेपी निर्विरोध जिला अध्यक्ष बनने की कोशिश में पुरजोर जुटी है। तो वहीं सुनील साजन का बड़ा बयान, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर यह बड़ा बयान दिया है, बीजेपी निर्विरोध जिला अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़कर अपना अध्यक्ष बनाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर यह बयान दिया गया है, बीजेपी निर्विरोध जिला अध्यक्ष बनने की कोशिश में पुरजोर जुटी है। में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार, उनके बड़े नेता लखनऊ से बैठ करके निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाना चाह रहे थे अपना, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का एक एक वर्कर यहां अड़ा हुआ था और अंततः बीजेपी की साजिश नाकाम हुई और समाजवादी पार्टी की रणनीति ही काम आई है। तो अब सारे प्रत्याशियों ने पर्चा वापस नहीं लिया, उन्नाव में चुनाव होने जा रहा है, 3 तारीख को समाजवादी पार्टी अपना अध्यक्ष बनाएगी। उन्नाव में लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव लड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर यह बयान दिया है सुनील साजन ने, बीजेपी निर्विरोध जिला अध्यक्ष बनाने की कोशिश में जुटी हुई थी लेकिन इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से हरेंद्र और आगरा से कृष्णा त्यागी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। हरेंद्र, अगर गोरखपुर की तस्वीर आपसे समझने की कोशिश करें और चुनाव की बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर क्या कुछ तस्वीर गोरखपुर में साफ हुई है? आपको बताना चाहेंगे कि खासतौर से अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनाव को लेकर के जिस तरह से सरगर्मियां थी, पर्चा दाखिल करने के दिन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो नदारद थे। पर्चा समाजवादी पार्टी का तीसरा कैंडिडेट लेकर के पूछा तो प्रशासन ने कहा प्रत्याशी स्वतः आया है क्योंकि हस्ताक्षर करना है, प्रत्याशी नदारद थे, जिसके कारण गोरखपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित प्रत्याशी साधना सिंह को निर्विरोध चयनित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे लेकिन उनके ही कैंडिडेट जब नदारद रहेंगे तो दूसरे पर आरोप लगाना उनकी लाजमी है। लेकिन हरेंद्र, अगर हम ओवरऑल बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही दबदबा देखने को मिला है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में। जी हाँ, बीजेपी का दबदबा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी 2015 के चुनाव में जिस तरीके से अपना गोरखपुर में दबदबा दिखाई थी, परियन उस समय कैबिनेट मंत्री थे राजकिशोर सिंह को भेज करके ओम नारायण सिंह को डीएम 2 दिन पहले चयनित किया गया और उनके हाथों से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे गीतांजलि यादव को जबरन जिताया गया, पर्चा दाखिल करने बीजेपी वालों को नहीं दिया गया। वही हाल रहा इस बार भी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा कायम किया और अपने प्रत्याशी को निर्विरोध चयनित कर दिया। ठीक है,
ठीक है, आगरा से कृष्णा त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं। अगर हम कृष्णा आगरा की बात करें तो आगरा में भी बीजेपी के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। मैं आप बता दूं, आगरा में जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव के लिए जिस तरह से तैयारी हुई थी, आगरा में निर्विरोध बीजेपी प्रत्याशी को मंजू भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया। आज उसका प्रमाण पत्र भी दिया, भाजपाइयों के चेहरे पर इतनी खुशी का माहौल देखने को था कि इस तरह से लग रहा था कि इन्होंने बड़ी बड़ी जीत हासिल की हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निर्विरोध होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिला पंचायत अध्यक्ष हालांकि सबसे ज्यादा बीजेपी चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार तो काफी लंबे समय से जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी कहीं नहीं यहाँ देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंजू भदौरिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुत्र बनी है, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, तो जाति समीकरण जो कहें राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें काफी लंबा अनुभव है, क्योंकि परिवार में जमीनी स्तर से राजनीति यहाँ पर देखी है उन्होंने और काफी लंबे समय से उनके परिवार में इस तरह का राजनीति ये देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर से आगरा की बात करें तो निश्चित तौर से विकास का पहिया निश्चित तौर से घूमता हुआ नजर आएगा। हालांकि जिस दिन नामांकन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा था कि सबका साथ सबका विकास, न खाएंगे और न खाने देंगे, इस तरह का वाक्य भी उन्होंने सामने रखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखने वाली जिस तरह से मंजू भदौरिया ने कहा है कि हम महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, महिलाओं के साथ जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, उन योजनाओं में हम कारगर रहेंगे। और भी उन्होंने अभी वैक्सीन को लेकर भी आज उन्होंने कही ये बात कि जो सेंटर वैक्सीन 100% अपने टीकागढ़ में पाएंगे उन्हें इनाम के बतौर 10 लाख रुपए की राशि भी देने की घोषणा की है। तो लंबे लंबे वायदा मंजू भदौरिया द्वारा देखने को मिले। अब आने वाले समय पे ये देखने वाली बात है कि मंजू भदौरिया। चलिए कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सचिन, बुलंदशहर की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में क्या कुछ स्थिति देखने को मिली? जी देखिए, आपको बता दूं कि बुलंदशहर की जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो सीधे तौर पर भाजपा के खाते में गई है। यहाँ से डॉक्टर अंकुल तेवतिया भाजपा प्रत्याशी थी, जो कि अब बुलंदशहर की जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुकी है। अगर इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो ये जितेंद्र तेवतिया की बेटी है, जो कि गुलावटी की निवासी है, और अंकुल तेवतिया ने ये अपना पहला चुनाव लड़ा है और पहले चुनाव में ही ये जिला पंचायत अध्यक्ष की पद की कुर्सी पर अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो चुकी है। इसी के साथ अगर बात करें विपक्ष की, तो नामांकन के दौरान एक बहुत ही रोचक घटनाक्रम देखने को मिला। 3 बजे का टाइम था, 3 बजे तक केवल भाजपा की प्रत्याशी डॉक्टर अंतुल तेवतिया ही वहां नामांकन करने पहुंची, विपक्ष की तरफ से कोई भी उम्मीदवार वहां नहीं पहुंचा। जिसके बाद अब जिला प्रशासन की तरफ से डॉक्टर अंतुल तेवतिया को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। और कृष्णा त्यागी हमारे साथ आगरा से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, नए डीजीपी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, डीजीपी के चयन को लेकर दिल्ली में हुई बैठक, बैठक में 3 नाम फाइनल किए गए हैं। बड़ी खबर, नासिर कमाल, मुकुल गोयल और आरपी सिंह का नाम तय किया गया, इन्हीं में एक को यूपी का डीजीपी बनाया जाएगा। तो बड़ी खबर, हम पहले से ही लगातार और न्यूज़ वन इंडिया पहले से ही ये दिखा रहा है कि 3 नाम, जिसमें नासिर कमाल पहले नंबर पर, दूसरे पर नंबर पर मुकुल गोयल और तीसरे नंबर पर आरपी सिंह हैं, इन्हीं में से एक को यूपी का डीजीपी बनाया जाएगा। तो मेरिट के आधार पर ये तैनाती होगी उत्तर प्रदेश के डीजीपी को देखते हुए। हालांकि तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे कि चुनावों को देखते हुए डीजीपी की नियुक्ति होगी, लेकिन मेरिट के आधार पर ये नियुक्ति होगी। नासिर कमाल, मुकुल गोयल और आरपी सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है, ये 3 नाम हैं और इनमें से ही एक को यूपी का डीजीपी बनाया जाएगा। कल हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं। हितेश चंद्र अवस्थी को लेकर बात करें तो योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं कुछ नाराज उनसे चल रहे थे। अगर हम पॉलिटिकल खेमे यानी कि राजनीतिक खेमे की बात करें तो नाराजगी कहीं ना कहीं डीजीपी को लेकर थी और साथ ही पुलिस विभाग में भी नाराजगी देखी जा रही थी। लेकिन जो 3 नाम को लेकर कहा जा रहा था उसमें से अब एक को फाइनल किया जाएगा और वही यूपी का डीजीपी बनाया जाएगा।
और मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद जी, जिस तरह से जानकारी मिल रही थी और हम पहले ही इस खबर को लगातार चला रहे थे जिसमें से तीन नाम बताए जा रहे थे वही फाइनल हुए हैं, एक को इनमें से डीजीपी बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? अनन्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इस समय पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन बनने जा रहा है, और न्यूज वन इंडिया इस खबर पे मुहर लगाता है कि बैठक में तीन नाम जो फाइनल किए गए हैं उनके नाम आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और इन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति को जो है डीजीपी बनाया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें नासिर कमाल जो कि 1986 बैच के अफसर हैं, आरपी सिंह और मुकुल गोयल, इन नामों की चर्चा हो रही है। मुकुल गोयल जो कि उत्तर प्रदेश में इसमें भारत सरकार में पोस्टेड है, नासिर कमाल भी भारत सरकार में पोस्टेड है, लेकिन आरपी सिंह इसमें जो है वो उत्तर प्रदेश में पोस्टेड है, ईओडब्ल्यू के महानिदेशक आरपी सिंह महानिदेशक के तौर पे काम कर रहे हैं। इन तीनों लोगों का लंबा कैरियर है, लंबा अनुभव है, ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब डीजीपी हितेश चंद अवस्थी ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो आगे सेवा विस्तार नहीं लेंगे, तब इन तीनों नामों का जो है चयन किया गया है। ये नाम इससे भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वरिष्ठता के अनुसार इन नामों का चयन किया गया है। अब इसमें ये देखना बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा कि कल इसमें से किसके नाम की घोषणा होती है। अनन्या, लेकिन अरविंद जी आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहेंगे क्योंकि हितेश चंद्र अवस्थी को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं नाराजगी थी, चाहे आप राजनीतिक खेमे की बात कर लीजिए और चाहे पुलिस प्रशासन को लेकर बात कर लीजिए, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अंदरखाने से ये खबर ऐसी आ रही थी जिसमें नाराजगी कहीं ना कहीं जाहिर हो रही थी। अब ये तीन नाम शामिल हुए हैं, कल उनका रिटायरमेंट है एचसी अवस्थी का, अब देखना यह होगा कि इनमें से किस पर मोहर लगती है। मैं जैसा मैंने बताया कि नासिर कमाल सबसे सीनियर हैं, 1986 बैच के आईपीएस अफसर हैं, उसके बाद मुकुल गोयल और आरपी सिंह का नाम आता है। अब ये तय करना मुख्यमंत्री का काम होगा कि वो किसको कमान देते हैं, क्योंकि हितेश चंद अवस्थी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो जो है आगे सेवा विस्तार नहीं चाहते। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस महिला महासचिव दिशा चैंबर का इस्तीफा। आईएएस अधिकारी जेएन चैंबर की बेटी हैं दिशा चैंबर। मुझे कांग्रेस का राजनीतिक दूरदृष्टि नहीं दिखाई दे रही है, पार्टी दो सालों से खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पाई है, पार्टी बिना सही नेतृत्व के अपने कार्यों को कैसे करेगी, कांग्रेस पार्टी अब मुझे दिशाहीन लग रही है, ये दिशा चैंबर की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस पार्टी अब मुझे दिशाहीन लग रही है, दिशा चैंबर की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस महिला महासचिव दिशा चैंबर का इस्तीफा। और खबर है बागपत से, जहां पर आरएलडी प्रत्याशी के नाम वापसी का मामला। मामले में हंगामे के बाद बैकफुट पर जिला प्रशासन, डीएम राजकमल यादव ने मामले में दी सफाई। आरएलडी प्रत्याशी ममता किशोर का पर्चा नहीं हुआ वापस, डीएम ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों आरएलडी कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। तो आरएलडी प्रत्याशी ममता किशोर का पर्चा नहीं हुआ वापस, डीएम ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। तो आरएलडी प्रत्याशी के 12:30 के आसपास एक वापसी का पर्चा दाखिल हुआ जिसमें ये कहा गया कि हम मानते हैं जिसकी आइडेंटिटी की शिनाख्त की गई, और 2:20 और 2:30 के आसपास एक एप्लीकेशन आई जिसमें कहा गया कि नहीं साहब, हम ममता नहीं हैं, जिसकी जांच कराई गई। जांच में ये हम लोगों ने एस्टेब्लिश कराने की कोशिश करी कि क्या सत्यता है इसकी, कि कोई व्यक्ति तो नहीं है, जिससे कि हम लोगों ने उनसे वीडियो कॉल पर बात करी, उनको फ़ोन किया गया कि भाई आप हैं कि नहीं है करके, क्योंकि उनकी सत्यता जो है संदिग्ध लग रही थी, और उनके बाद एस्टेब्लिश होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि वो सेम व्यक्ति नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और वही मामले में आरएलडी प्रत्याशी ममता किशोर ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राजस्थान के भरतपुर के डीएम को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो हंगामे के बाद बैकफुट पर जिला प्रशासन, और खबर है लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने राष्ट्रपति से की शिष्टाचार भेंट। राष्ट्रपति ने सीएम को भेंट की सुलिखित पुस्तक लोकतंत्र के स्वर, मुलाकात के लिए
सीएम योगी ने राष्ट्रपति का जताया आभार। तो राष्ट्रपति ने मुलाकात यहां पर सीएम योगी ने राष्ट्रपति का आभार जताया है। सीएम योगी ने राष्ट्रपति से की शिष्टाचार भेंट। और खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर मुंबई की मॉडल ने खुदकुशी की है। एक सोसाइटी के 14वीं मंजिल से लगाई छलांग। मानसिक तनाव के चलते प्रिया ने यह कदम उठाया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिसरख थाना इलाके के पैरामाउंट इमोशन सोसाइटी का ये मामला है। तो मानसिक तनाव के चलते प्रिया ने यह कदम उठाया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर बिसरख को आज शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पैरामाउंट इमोशंस एक सोसाइटी में एक महिला के द्वारा जो है छत से कूद करके आत्महत्या कर ली है। इसमें तत्काल जो है वो पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऐसा जानकारी में आया है कि प्रिया नाम की ये युवती थी और ये मॉडलिंग का काम करती थी और किसी से इनका वाद विवाद हुआ। परिवार वालों के द्वारा इनको समझाया भी गया था, परंतु शाम के समय जो है इनके द्वारा सोसाइटी से कूद करके आत्महत्या कर ली है। पुलिस इसमें छानबीन कर रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। थाना बिस्टक को। और खबर है आगरा से, जहां पर आगरा रेंज में अपराधियों पर लगाम लगाए गए ऑपरेशन शिकंजा। आईजी रेंज आगरा नवीन अरोड़ा ने ऑपरेशन शिकंजा की शुरुआत की है। ऑपरेशन शिकंजा के तहत अपराधियों की धरपकड़ की शुरुआत हुई। ऑपरेशन के तहत वंचित चल रहे अपराधियों को भेजा जाएगा जेल। आईजी महोदय द्वारा अपराध और अपराधी पर नियंत्रण के लिए आपसी शिकंजा चलाया गया है, जिसके तहत अचनेरा पुलिस अचनेरा सर्किल की पुलिस ने लगातार इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत थाना फतेहपुर सिकरी में एक शराब माफिया गुट्टी बैगेल की गिरफ्तारी की और उनके खिलाफ। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।